बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इसकी हदायत के लिए 124,000 अंबिया आए और इसके बाद आइमाए हदायत के लिए, ताकि कल ये ना कहे कि मुझे कोई बताने वाला नहीं आया। इसलिए कोई मसला भी है ना, उस मसले का हल है। मसलन एक नौजवान है कि जब जवानी पर पहुँचता है तो उसे इतलाम होता है, और इतलाम ख्वाब में हो तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो ख़ुद अपने साथ ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से उसकी मनी खारिज हो जाती है तो गुनाहगार है, गुनाह होगा, इसलिए एक बहुत बड़ा गुनाह। इसी तरह जब मियां बीवी का रिश्ता होता है तो हम बिस्तरी करते हैं, अजर है, सवाब है, मनी खारिज होगी तो इससे कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन अगर इससे हटकर बीवी जो है वो अपने मियाँ को फारग करती है, उसकी मनी खारिज करती है, तो देखिए ये भी जायज़ नहीं है। इसलिए कि देखिए ये परवरदिगार की तरफ से एक एक नेमत है, लेकिन हम शुक्र खुदा नहीं करते। देखिए परवरदिगार ने क्या कहा कि इंसान को मैंने इबादत के लिए पैदा किया, और इसका हर अमल इबादत बन जाता है। यानी ये नमाज रोज़ा इबादत नहीं है, बल्कि इसका 24 घंटे हर लम्हा हर काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत के मुताबिक होगा तो इसका हर अमल जो है वो इबादत बन जाएगा। लेकिन हम इससे हटकर, जिस तरह इमाम के पास एक बूढ़ा शख्स आया, अर्ज़ करता है मौला मैंने गुनाह छोड़ दिए, तो इमाम ने फरमाया कि तूने गुनाह नहीं छोड़े बल्कि गुनाह तुझे छोड़ गया, अब तेरे अंदर कुछ चीज़ ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। यही वजह है कि हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर इबादत पर, कुरान पर और बाकी मामलात पर जोर देते हैं। जब आप जवान हो, जवानी में तौबा करें और याद खुदा में रहें, तो यकीनन आपको अजर और सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा।